नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज डॉक्टर स्पेशल में हम आए हैं जेपी हॉस्पिटल नोएडा, और यहां पर हम मिल रहे हैं डॉक्टर प्रशांत पांडे से, जो कि एडिशनल डायरेक्टर के साथ साथ ब्लड बैंक डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। शुक्रिया, शुक्रिया भारती। सर, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये पूरा डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, क्या इसका पूरा काम होता है? ब्लड बैंक की अगर देखें तो डेफिनेशन कम से कम 400 साल पुरानी है। अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो 400 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। बेसिकली यहाँ पर डोनर से हम ब्लड लेते हैं। ये डोनर वॉलेंट्री भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। इनसे हम ब्लड लेते हैं, इस ब्लड को प्रोसेस करते हैं, और जिन पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है उन पेशेंट्स को ब्लड हम इश्यू करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ ब्लड। जिन पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है उन्हीं पेशेंट को ब्लड जाता है। तो इस डिपार्टमेंट का काम बेसिकली अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो ब्लड कलेक्शन और ब्लड इश्यू का है, मींस वेन टू वेन। डोनर के वेन से ब्लड निकला और पेशेंट के वेन में ब्लड चला गया, तो ब्लड बैंक इन शॉर्ट वेन टू वेन है। इससे पहले कि और हम क्वेश्चंस आपसे पूछें, उससे पहले मैं आपकी क्वालिफिकेशन जानना चाहूंगी। आई मीन, आपने कहां से पढ़ाई की है और कहां से आपकी जड़ें हैं, कहां से आप जो है वो जेपी हॉस्पिटल तक पहुंचे, कहां से होते हुए आप जेपी हॉस्पिटल तक पहुंचे? बेसिकली मैं देखूं तो मेरी पूरी पढ़ाई जो है वो लखनऊ में हुई है जी। रहने वाला मैं बेसिकली गोरखपुर से हूँ, लेकिन पूरी पढ़ाई जो है वो हमारी लखनऊ से हुई है। MBBS हमने लखनऊ के एजेंसी से किया, MD SG PGI से ब्लड ट्रांसफर एंड हेमेटोलॉजी में किया, जो ब्लड बैंक के स्पेसिफिक डिवीज़न है। इंडिया में हार्डली एक या दो सेंटर हैं लाइक चंडीगढ़ PGI, SG PGI, एनजीपर पांडिचेरी, जहाँ पर इस तरीके के कोर्सेज होते हैं जो स्पेसिफिकली ब्लड बैंकर्स के लिए होते हैं, विच इज़ कॉल्ड MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। तो मैंने वहाँ से किया MD। फिर मैंने वहीं से SRCP करने के बाद बैंगलोर से मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की। वहाँ का काफ़ी बड़ा ट्रांसप्लांट सेंटर जिसको ग्लोबल हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पर मैं 3 साल रहा। उसके बाद बड़ा ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट आप जानते होंगे NCR का, मेदांता द मेडिसिटी, वहाँ पर मैं 5 साल रहा, और पिछले 7 साल से मैं जेपी को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्लड जो है वो एक बॉडी का ऐसी चीज है जिसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो कुछ कोई भी पार्ट हो बॉडी का, ब्लड इज द बेसिक थिंग। तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत लोगों के मन में धारणा होती है कि ब्लड डोनेशन जो है वो ब्लड डोनेट करने से कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, ब्लड डोनेट करना क्या ठीक भी है कि नहीं है, और कुछ लोग बहुत खुल के ब्लड डोनेट करते भी हैं, तो इस पर मैं आपकी टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगी, आपके व्यूज जरूर लेना चाहूंगी कि लोगों को कैसे मोटिवेट भी किया जाए कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं डोनर के लिए भी, जो रिसीव कर रहा है एक्चुअली उसके लिए भी। देखिए, ब्लड बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है जी। ये केवल ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है कि आपके सांस के नलियों से जो ऑक्सीजन जा रहा है वो केवल आपके सेल्स तक पहुंचाने काम नहीं है। ब्लड के ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स होता है, ब्लड में वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इन सबसे फाइट करने के लिए ब्लड में बिल्कुल डेफिनेट उनके पार्टिकल्स होते हैं जो इनसे फाइट करते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए रेड सेल्स होता है। तो इन रेड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है जो बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग का काम करता है, प्लेटलेट्स हैं जो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, इसके अंदर कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जैसे प्लाज्मा हो गया। ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो है 60% पार्ट है, इसमें कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग को रोकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लीवर के पेशेंट्स होते हैं, अगर लीवर फेलियर हो गया तो उनको ब्लीडिंग होती है, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है जी। तो बेसिकली ब्लड में, ब्लड बैंक स्टार्ट ही डोनर से होता है जी। अगर डोनर नहीं है तो ब्लड बैंक नहीं है। डोनर हमारे लिए अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को देखा जाए तो 100% वॉलेंट्री रिपीट डोनेशन है। मतलब अगर मैं वॉलेंट्री डोनर हूँ तो मैं केवल एक बार नहीं आऊंगा, मैं कई बार आऊंगा ब्लड देने के लिए, हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे, या मैं अपने हर बर्थडे पे आऊँ, अपनी बेटी के बर्थडे पे आऊँ, अपने मैरिज एनिवर्सरी पे आऊँ, मैं कोई डेफिनेट डेट चूज कर लूंगा, उस पर ब्लड दिया करूंगा जी। इसको बोला जाता है रिपीट वॉलेंट्री डोनर। रिपीट वॉलेंट्री डोनर होने का फायदा ये होता है कि एक तो ब्लड से आपको पता है इन्फेक्शन फैलते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और भी कई बीमारियां। अगर आप इनको ध्यान से देखें, जो रिपीट वॉलेंट्री डोनर है, पूरी दुनिया में लिटरेचर स्टडी करके आप देखेंगी तो आपको ये मिलेगा कि जो रिपीट वॉलेंट्री डोनर होते हैं उनके ब्लड से ये डिजीज ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है। लेकिन कोई फैमिली मेंबर या रिप्लेसमेंट डोनर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हायर होगी। तो ये पूरा प्रोसेस सिलेक्शन ऑफ डोनर का है, डोनर की अवेलेबिलिटी का है, सिलेक्शन ऑफ डोनर्स का है, उसके बाद इनके ब्लड कॉम्पोनेंट प्रिपेयर करके
पेशेंट्स को देना है। अब डोनर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? डोनर तो होल ब्लड देकर के हमें जाएगा जी। इस होल ब्लड को हम तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी है उसमें क्या है, तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे रेड सेल जो रेड कलर का होता है, हम डिवाइड करेंगे प्लेटलेट्स जो येलो कलर का होता है, और उसका देन 200 ml के आसपास प्लाज्मा उसमें होता है। तो जो मरीज 350 से 450 ml ब्लड देता है उससे तीन अलग अलग कॉम्पोनेंट्स बन जाते हैं। अब थैलेसीमिया का पेशेंट है, थैलेसीमिया के पेशेंट को रिक्वायरमेंट क्या होती है, हीमोग्लोबिन हमेशा मेंटेन रखने की 9 से 10 के बीच में जी। इनका 9 से 10 के बीच में हमें हीमोग्लोबिन मेंटेन रखना है। अगर आप नहीं रख पाएंगे तो उस पेशेंट का सर्वाइवल नहीं है। तो इनको लंबे समय तक सर्वाइव रखने के लिए थैलेसीमिया पेशेंट्स को ये ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनका सर्वाइवल ही ट्रांसफ्यूजन पे है। हर 2-10 साल का बच्चा अगर थैलेसीमिया का है तो इसको हर 14वें दिन में या 21वें दिन में उसको 2 यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन मिलना चाहिए। जब मिलेगा तभी सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं सर्वाइव करेगा। तो ये कॉम्पोनेंट हमने उस डोनर से अलग कर दिया। हमने क्या अलग किया, प्लेटलेट अलग किया। कोई आपके हॉस्पिटल में 20,000 प्लेटलेट काउंट पे डेंगू का पेशेंट आपने सुना होगा, डेंगू को प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। इन पेशेंट्स को अगर प्लेटलेट्स नहीं मिलेगा तो वो ब्लीड करेंगे। वो ब्लीडिंग कहाँ हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, जो जानलेवा हो सकते हैं जी। तो ये प्लेटलेट्स देते हैं, इन प्लेटलेट्स को हम उन पेशेंट्स के लिए रखेंगे। लीवर फेलियर का पेशेंट है, कोआगुलेशन फैक्टर की डिफिशियंसी है, लीवर ट्रांसप्लांट पे जाने के पहले उसको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर वो प्लाज्मा देगा। तो आप देखिए, एक डोनर जिससे हमने जर्नी स्टार्ट की है उसने कितने लोगों की जान बचाई, 3 लोगों की जान बचाई। तो डोनर का रोल अगर देखा जाए तो एक हॉस्पिटल का सर्वाइवल, हम मैं केवल ब्लड बैंक नहीं बोलूंगा, एक हॉस्पिटल का सर्वाइवल एक डोनर पे है। ये डोनर वॉलेंट्री होना चाहिए और इसके हम तीनों कॉम्पोनेंट सेपरेट करके तीन अलग पेशेंट्स को देंगे, तभी बोलेंगे ये स्पेसिफिक थेरेपी है। जिसको जो रिक्वायरमेंट है वही देंगे। हम होल ब्लड कलेक्ट किया, होल ब्लड पेशेंट को दे दिए, ये मॉडर्न मेथड ऑफ ब्लड बैंकिंग नहीं है जी। तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो अब पूरी दुनिया में नहीं है। अब इनके तीनों कॉम्पोनेंट्स अलग किए जाते हैं और पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनकी जो जिसकी जो जो जरूरत है। तो ये ब्लड बैंक है, इन शॉर्ट ये ब्लड बैंक है जी, बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये अहम बहुत अहम हो जाता है ये जानना कि आपका ब्लड जो डोनेट आपने किया है वो कितना जरूरी है। आपसे डॉक्टर यही मैं जानना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप खुद भी अपील करें कि लोगों को कि आप डोनेट कीजिए, और उससे आपको क्या बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो जैसा आप अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, तब आपने बताया था कि आपके अंदर नए सेल्स डेवलप होते हैं आपकी बॉडी के लिए, वो और बेनिफिशियल हो जाता है। तो किस तरीके से होता है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जानने की बहुत जरूरत है, और आप भी उनसे अपील कीजिए कि डोनेट कीजिए, क्योंकि इससे आपका भी बेनिफिट है। मैं भारती जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन जब भी हो रिपीट वॉलंटरी डोनर से हो जी। ब्लड बैंक में आकर के ब्लड देने से आप 3 लोगों की जान बचा रहे हैं, इससे बड़ा बेनिफिट कुछ नहीं हो सकता एक डोनर के लिए। मैं एज ए डोनर, मैं एज ए ब्लड बैंकर, एज ए डोनर मैं कितनी बार ब्लड दे चुका हूं मुझे याद नहीं है, लेकिन जितनी बार हम देते हैं हम ये मानते हैं कि हम किसी की जान बचा रहे हैं। तो वॉलंटरी ब्लड डोनर बनने और रिपीट वॉलंटरी ब्लड डोनर बनने का फायदा एटलीस्ट इस कंट्री में ये है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट जितनी भी ब्लड की है हम केवल 60% उसकी पूर्ति कर पाते हैं, 40% की अभी भी डेफिशिएंसी है। वॉलंटरी ब्लड डोनर्स बनने का फायदा पेशेंट को है, और आपको क्या है, आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने कहीं भी जाकर ये कहना है हमने 3 लोगों की जान बचाई है, हमने 3 लोगों की जान बचाई है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है, दुनिया भर में स्टडीज आ गई हैं कि ऑलमोस्ट 650 कैलोरी ब्लड का ब्लड देने से ऊर्जा का लॉस होता है। तो अगर थिनर बनना है, स्लिमी बनना है, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन आप करते रहें। एक नया तरीका आपने बताया है कि अगर आप जो है अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि वेट लूज करने के चक्कर में आप सभी जी बिल्कुल। तो और क्योंकि हम जेबी हॉस्पिटल में अभी आए हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जेबी हॉस्पिटल में कितने लोग रोज, या फिर अगर हम साल की बात करें तो कितने लोग जो है वो डोनेट करते हैं ब्लड, क्या रेगुलर लोग आते हैं डोनेट करने के लिए? क्योंकि मिथ है कि डोनेट नहीं करना चाहिए, लोगों के माइंड में रहती है ये चीज है कि नहीं डोनेट नहीं करेंगे, कोई और परेशानी बन गई है, कुछ और हो गया। देखिए, ब्लड देने के बाद सबसे बड़ा मिथ ये है कि कमजोरी आती है जी, एग्जैक्टली, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ब्लड दूं, मैं जितनी बार ब्लड देता हूँ, ब्लड देने के बाद पूरे दिन का काम करता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ, कोई भी कमजोरी नहीं होती है। इनफैक्ट ब्लड देने का बेनिफिट आपको ये है कि आपकी बॉडी से जो ओल्डर सेल्स हैं वो बाहर निकल जाती हैं, अब बोन मैरो नए सेल्स बनाना शुरू करेगा विच आर मोर एक्टिव एंड मोर एनर्जेटिक सेल्स। तो आपकी बॉडी को अलग से ऊर्जा मिलती है ब्लड देने से, तो किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं होती है।
और जो निडल पेन जिसको लोग बहुत बोलते हैं कि निडल का पेन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन की हुई निडल्स होती हैं और आपकी जो ये पेन होता है 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर होता है वो पेन। इतना पेन तो हम बियर कर सकते हैं किसी 3 लोगों की जान बचाने के लिए। तो ये मिथ को दूर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले एक बार ब्लड बैंक में आएँ और देखें ब्लड का पूरा प्रोसेस है क्या। हमारे जो फर्स्ट टाइम डोनर्स आते हैं उसमें से हर 5 में से 1 चाहता है मैं ब्लड बैंक में राउंड लेके देखूं, जाके देखूं कि डोनेशन का प्रोसेस क्या है। वी शुड गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू द डोनर। सर अब क्योंकि आपने बात की कि आगे पहले प्रोसीजर देखिए, तो आज के समय की अगर हम बात करें तो दुनिया एक बहुत ही गंभीर महामारी से जूझ रही है, कोविड। और ऐसे समय में कोविड प्लाज्मा की हम बात जरूर करेंगे, ऐसे समय में हॉस्पिटल आना कितना सेफ रहता है, उतनी आप चाहे कितनी भी कोशिश करें आपको चीजें बहुत हद तक जो है वो संभालनी पड़ेगी, खुद से प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। मोरओवर की हॉस्पिटल्स वो प्रिकॉशन तो ले ही रहे हैं अपने एंड पे, तो हम चाहेंगे कि लोगों लोग भी इस बात से अवेयर हों कि कितना जरूरी हो जाता है आप अपनी प्रिकॉशन लेना। और साथ ही प्लाज्मा कोविड कोविड प्लाज्मा ये क्या है, क्योंकि प्लाज्मा की दिल्ली की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था सीएम ऑफ दिल्ली की तरफ से, और अब जो है प्लाज्मा की बात हर जगह हो रही है, ना सिर्फ देश में विदेशों में भी ये बात हो रही है, तो क्या रोल जो है वो निभाता है। सबसे पहले तो आपके हॉस्पिटल की एंट्री की बात करते हैं कितना सेफ है जी। अगर आप हॉस्पिटल में एंट्री कर रही हैं तो जैसे आपने भी देखा होगा एंट्री के टाइम पे हम टेम्परेचर चेक करेंगे और एक स्टिकर लगाते हैं बॉडी पे, ग्रीन कलर का स्टिकर लगा देते हैं, इससे ये है कि इनको कोई टेम्परेचर नहीं है, बॉडी में टेम्परेचर हाई नहीं है तो सेफ है, कोई फीवर नहीं है। उसके बाद हर जगह आपको सैनिटाइजर हॉस्टल मिलेंगे जी। आप खुद मास्क N95 लगा करके आप आएंगे हॉस्पिटल में जिसमें रेस्पिरेटर ना हो, तो नॉर्मल नॉन रेस्पिरेटेड जो आपके N95 मास्क हैं लोग वही लगा कर आते हैं। ब्लड बैंक में आप देखिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वो उन सब जगहों पर जहाँ डोनर के साथ इंटरेक्शन है वहाँ हमने एक बैरियर लगा रखा है सब जगह, और हर जगह सैनिटाइजर रखा हुआ है। तो हॉस्पिटल में आना अब सेफ है। मैं ये नहीं कहता कि जो अप्रैल के महीने में एक डर का माहौल था वो डर का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब तक हम डर के बैठेंगे। हम प्रॉपर 2 गज की दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर यूज करते रहें और लगातार मास्क लगा के रखें। अगर इतनी सेफ्टी हम ले रहे हैं तो हम कोविड से दूर रहेंगे। और हर जगह सब जगह चाहे ओपीडी में कंसल्ट करें चाहे ब्लड बैंक में आए, सब जगह हमारी यही फैसिलिटी है। कोविड प्लाज्मा को हम आते हैं, जो पेशेंट जिनको कोविड हो जाता है तो बॉडी की अपनी खुद की एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करता है उन इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट कफ के साथ प्रेजेंट किया है, जिन पेशेंट्स ने फीवर के साथ प्रेजेंट किया है, या वो पेशेंट जो ICU होकर के आए हैं, उनकी बॉडी में इतने एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं कि अगर वो प्लाज्मा निकाल करके हम किसी पेशेंट को दें जो कोविड पेशेंट है तो उसमें वो एंटीबॉडीज वायरस से फाइट करता है। तो आप ये कहेंगे कि हम जो प्लाज्मा निकाल के दे रहे हैं वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, पैसिव इमीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को। यस करेक्ट। और पूरी दुनिया में देखा गया है कि ये कोविड प्लाज्मा ये वर्क कर रहा है। इसको अगर देखा जाए तो इसकी जो साइंटिफिक टर्म है इसको बोलते हैं कन्वेलिसेंट प्लाज्मा। और ये कन्वेलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी विच इज कॉल्ड CCP ये बहुत पहले से चला आ रहा है, स्वाइन फ्लू के टाइम पे था और भी जो वायरसेस इसके पहले हुए हैं उन सब के ट्रीटमेंट में कोविड ये प्लाज्मा यूज हुआ है। यहाँ पर हम इसको CCP बोल रहे हैं। जहाँ पे स्वाइन फ्लू के पेशेंट में चाइना वगैरह में स्टडी आज से 20 साल पहले की है वहाँ पर भी दिया करते थे वो प्लाज्मा निकाल करके। तो बेसिकली प्लाज्मा क्या कर रहा है, मैं अगर इन्फेक्ट हुआ हूँ मेरी बॉडीज में एंटीबॉडीज बन गए मेरी बॉडी में, मैं ठीक होने के 28 दिन के बाद मैं अपना RT-PCR टेस्ट मेरा निगेटिव आया है, निगेटिव आने के 28वें दिन बाद अगर मैं ब्लड बैंक में जाऊं और मैं देखूं कि मेरा इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल जो कोविड एंटीबॉडी लेवल है कितना आ गया है और उसके बाद मैं प्लाज्मा दूं वहां पर जाकर के, तो डेफिनेटली ये प्लाज्मा पेशेंट को हेल्प करेगा। तो किसी भी डोनर से केवल 400 ml प्लाज्मा लिया जा रहा है। नॉर्मल ब्लड डोनर से हम 450 ml ब्लड लेते हैं, 350 ml ब्लड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 400 ml प्लाज्मा लिया जा रहा है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आज देते हैं और एक 24 घंटे बाद देते हैं। और ये पेशेंट को बेनिफिट कर रहा है। अब तक हमने 500 से 600 प्रोसीजर कर लिया है और 1000 से ज्यादा हमने यूनिट इशू कर लिए हैं। बाहर के अलग अलग हॉस्पिटल से भी हमारे पास डिमांड आती है, इन सारे पेशेंट्स को हम दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है तभी तो दिया जा रहा है। तो ये कोविड प्लाज्मा पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, अहम भूमिका निभा रहा है इसमें। अगर ब्लड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि
जैसे बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, आपका ब्लड ग्रुप कुछ और है, तो अगर मुझे जरूरत पड़ती है कभी ब्लड की, तो क्या मैं बी पॉजिटिव वाले से ही ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ले सकती हूँ? और रेयरेस्ट ब्लड जो है जिसकी हम बात करते हैं, अक्सर बोलते हैं कि उसका ब्लड जो है वो रेयरेस्ट है और उसको तो नहीं मिलेगा, इसलिए अपने आप को बचाकर, अक्सर ये बातें जो है वो दादी माताएं जो है वो बोलती हैं अपने बच्चे को कि अगर हमें पहले से पता होता है कि हमारे बेटे का जो ब्लड है वो बहुत ही रेयरेस्ट है तो हम उसको बहुत कोशिश करते हैं कि, तो क्या, हाँ तो क्या ये पूरी मिथ है, क्या ये मिथ है, या फिर अगर ये मिथ नहीं है तो कौन सा रेयरेस्ट ब्लड होता है और इजीली अवेलेबल कैसे, अगर मैं बी पॉजिटिव हूँ क्या मुझे बी पॉजिटिव ही ब्लड चाहिए? जी मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लड ग्रुप की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है फिर जानना। आज से 120 साल पहले ब्लड ग्रुप किसी को पता नहीं था। जी 120 साल पहले जब ब्लड ट्रांसफर स्टार्ट किया गया तो हर दसवें में से किसी एक पेशेंट को रिएक्शन हो जाया करता था या पेशेंट मर जाया करता था। सबको ये लगता था भाई लाल रंग का ब्लड है, मेरे में भी है, आप में भी है, हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो वो मर क्यों रहा है पेशेंट। तो 1900 में एक साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, 1900 में उन्होंने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया कि जो रेड सेल हैं, जो लाल रंग की रक्त कणिकाएं हैं, उनकी सरफेस पे एंटीजेंस होती हैं जिनके बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनका ब्लड ग्रुप बी है, किसी और आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है। जी। तो नॉर्मल चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ओ ए बी और ए बी। जी। अब ये पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, जिनको बोलते हैं कि ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, इस तरीके से ओ ग्रुप भी है, इस तरीके से ए बी ग्रुप है। जी। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है वो बी है, इंडिया में सबसे कॉमन बी है, पूरी दुनिया में सबसे कॉमन ओ है, इंडिया में बी के बाद ओ है, फिर ए है, फिर ए बी है। तो इन चारों ब्लड ग्रुप में अगर मैं बोलूं तो सबसे रेयर जो है वो ए बी ग्रुप है, जो केवल 5% लोगों में मिलेगा। लेकिन जो आर एच निगेटिव है, जो निगेटिव ब्लड ग्रुप जिनको बोलते हैं, वो भी केवल 5% है। जैसे ओ निगेटिव है, 100 ओ के लोग हैं, 100 में से 5 ही केवल ओ निगेटिव होंगे, बाकी 95 जो होंगे वो ओ पॉजिटिव होंगे। वैसे ही बी में भी होंगे, 95 जो है वो बी पॉजिटिव होंगे और 5 बी निगेटिव होंगे। तो जनरल पब्लिक में ये है कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है या ए निगेटिव है तो मैं इसको अपने पास रखता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब दूंगा। बट ये बेसिकली ये ठीक नहीं है। अच्छा। हमारे पास हमेशा सरप्लस सप्लाई में ब्लड हमेशा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको, जो रोड साइड एक्सीडेंट केसेस हो रहे हैं, आप इंडिया में देखिए इतने हाईवेज बनने के बाद कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स में आपको तुरंत इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप पेशेंट का ब्लड ग्रुप पहले पता करें, फिर ब्लड को क्रॉस मैच करें और फिर पेशेंट को दें। नियम पूरी दुनिया में ये है कि चुपचाप अपनी इन्वेंट्री से ओ ग्रुप का ब्लड उठाइए और पेशेंट को, ओ निगेटिव ब्लड उठाइए और पेशेंट को दे दीजिए, तो वो उसके लिए जान बचा सकता है। तो अगर देखा जाए तो वो जो निगेटिव ग्रुप है वो जनता में ये कहा जाता है कि ये रेयर ग्रुप है, लेकिन अगर साइंस की भाषा में बात किया जाए तो ये रेयर ग्रुप्स नहीं है, ये कॉमन ग्रुप्स हैं। जो 5% मिल रहा है वो कॉमन है। रेयर ब्लड ग्रुप इंडिया में है जिसको बोला जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये आप देखेंगे तो लाखों में एक को होता है केवल, और इन पेशेंट्स को बॉम्बे ग्रुप का ही ब्लड जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट गुजरात में है लेकिन डोनर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ बॉम्बे ग्रुप का, तो उनके ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, एयरलिफ्ट करके वहां पहुंचाया जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है कि पेशेंट मुंबई में है, डोनर दिल्ली में है, या वाइस वर्सा जो भी है, तो कहीं भी है। बट ये हमारे पास एक रजिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें, और है भी इंडिया में, स्टेट के लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, पता है कि कितने लोग बॉम्बे फिनोटाइप के हैं और इनका ब्लड कितनी बार ब्लड देते हैं और इनका ब्लड कहाँ जाएगा कभी जरूरत पड़ती है। तो क्या ये प्रोसीजर जो होता है ये टफ होता है? मतलब अगर हम, अगर किसी को ब्लड की जरूरत है, चाहे वो रेयरेस्ट है या फिर वो कॉमन ब्लड ग्रुप है, तो ये बहुत टफ होता है डोनर को ढूंढना अगर हमारे पास ब्लड बैंक में उतना नहीं है जितने की रिक्वायरमेंट है, सभी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो ये बहुत टफ हो जाता है डोनर ढूंढना। टफ तो होता है, डेफिनेटली टफ होता है, बट मेरा ये मानना है कि पेशेंट का राइट है ब्लड, पेशेंट का राइट है ब्लड। अगर हम, ये हमारे ब्लड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट को पहले ब्लड प्रोवाइड करें, बाद में डोनर आए। तो इन्वेंट्री आपको, जैसे मैंने बोला कि लोगों को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि ब्लड हमेशा ब्लड बैंक में सफिशिएंट बना रहे। जैसे आप यूएस में देखें, अदर कंट्रीज में देखें, तो 100 में से 1 से 2 लोग ब्लड देते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया में 1000 या 2000 में से कोई एक आदमी ब्लड देता है, वो मिथ की वजह से है, जिसकी वजह से। अदरवाइज आप देखें तो ओ ग्रुप यूनिवर्सल ग्रुप है, अगर आप कंपोनेंट सेपरेट कर रहे हैं, जैसे मतलब 3 कंपोनेंट हमने बनाए, तो ओ का ब्लड किसी को भी दे सकते हैं। और वैसे ही प्लाज्मा देखें, जैसे कोविड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ए बी का प्लाज्मा किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है।
उसको न्यूट्रल प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है इस तरीके की। ओके। जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में क्या है, अगर ओ ग्रुप का आदमी है तो उसमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होती है, नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, वो प्लाज्मा हम किसी को दे सकते हैं। तो अगर रेड सेल देना है, जिसकी मैंने बात किया थैलेसीमिया केस में, वो अगर देना है तो ओ ग्रुप है, और प्लाज्मा अगर किसी पेशेंट को देना है तो ए बी यूनिवर्सल प्लाज्मा है। तो रेड सेल में ओ ग्रुप यूनिवर्सल है, प्लाज्मा में ए बी यूनिवर्सल है, जो किसी को भी दिया जा सकता है। हमने ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर ली, अब क्योंकि हम वो महामारी के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली हमने जो सुनने में आया है वो न्यू कोविड जो है वो सुनने में आया यूके में, जिसके जिसके चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फ्लाइट्स भी जो है वो वहां की सस्पेंड कर दी है सारी। तो ऐसे में ये अभी तक इसकी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या है ये, और ये बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड होने वाला अभी तक बताया जा रहा है? अगर देखा जाए तो अभी जो न्यू स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, इज द न्यू स्ट्रेन व्हिच इज एंड इट इज बीइंग सेड कि ये इसका इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है, बट अभी ये रेस्ट्रिक्टेड है यूएस के कुछ यूके कुछ सदर्न पार्ट वगैरह में या नॉर्दर्न पार्ट में। अभी ये रिसर्च नहीं आ पाई है कि ये म्यूटेशन है कैसा, और जो वहां पर अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, ये वैक्सीनेशन क्या इसको प्रिवेंट कर पाएगा? अगर आप बोरिस जॉनसन का जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इंटरव्यू देखें तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये वैक्सीन इस पे इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। इट विल टेक टाइम टू से कि हाँ ये वैक्सीन इस पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बट कभी भी वायरल की जो वायरस की स्ट्रेन होती हैं बहुत ही रैपिडली म्यूटेट करती हैं, तो दिस इज द नेचुरल फेनोमेना विच इज हैपनिंग। और इसमें यह है कि सारी कंट्रीज, जैसे यूरोपियन यूनियन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया यूके की फ्लाइट को, इंडिया ने 31 दिसंबर तक रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। नाउ दे विल ऑब्जर्व एंड सी कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज दिस एंड वेदर दिस वैक्सीन इज इफेक्टिव और नॉट। इट विल बी सीन, इट विल टेक टाइम एक्चुअली। ब्लड कैंसर की अगर हम सर बात करें कि ब्लड कैंसर का क्या रोल होता है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो होती है, और साथ ही में किडनी ट्रांसप्लांट की भी हमने बात की, जो ट्रांसप्लांट का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसमें ब्लड की क्या रोल होता है, और किस तरीके से ये पूरा ब्लड कैंसर में स्पेसिफिकली कि किस तरीके से हम ब्लड को जो है वो रिसीव करते हैं, और क्या पूरा ट्रांसप्लांटेशन का पूरा क्या प्रोसीजर रहता है? जी देखिए, पहले हम एक बात करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फिर किडनी ट्रांसप्लांट की बात करेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कैंसर के पेशेंट को स्टेम सेल इन्फ्यूज करना होता है, जिसको कहा जाता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। बोन मैरो से निकालेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और अगर किसी के ब्लड से निकाल करके वो स्टेम सेल इन्फ्यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जैसे नॉर्मल प्लेटलेट्स डोनर आते हैं हमारे यहाँ, वैसे ही स्टेम सेल का डोनर आएगा, उनका हम स्टेम सेल हार्वेस्ट करेंगे, और हार्वेस्ट करने के बाद सेम डे या नेक्स्ट डे हम पेशेंट को इन्फ्यूज कर देते हैं। और हमें देखते हैं कि जिनको हमने इन्फ्यूज किया हुआ है वो सेल्स कितनी दिनों बाद बॉडी में अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन लेमैन्स लैंग्वेज, बट साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो इसमें ब्लड बैंक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि कई बार इन पेशेंट्स की ग्रुपिंग बड़ी डिफिकल्टी आती है, तो ग्रुपिंग डिस्क्रिपेंसी आपको रिजॉल्व करना होता है। इन पेशेंट्स को ब्लड कंपोनेंट रेगुलर इंटरवल पे चाहिए होता है, तो पीछे से हमारे बैक सपोर्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए डोनर का, इनको प्लेटलेट्स डोनर मिलते रहे, इनको रेड सेल के डोनर मिलते रहे, क्योंकि इनकी प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है इन पेशेंट्स की। तो ये ब्लड बैंक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना इन पेशेंट्स के लिए। अगर आप एक भी बोन मैरो का ट्रांसप्लांट का केस कर रहे हैं तो आपकी पीछे से पूरी तैयारी होनी चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन कैंसर पेशेंट्स को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है आपको, तो जिस सेटअप में इनको रखा जाता है वो रूम बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ जीरो इन्फेक्शन जोन काइंड ऑफ वो रूम होता है, जो सेवेंथ फ्लोर पे हमारे हॉस्पिटल में है, जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट रखे जाते हैं। तो ब्लड बैंक का रोल क्या होता है, आपको ब्लड कॉम्पोनेंट प्रोवाइड करने में, कभी कभी पेशेंट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो उनको मैनेज करने में, कभी कभी पेशेंट में प्लाज्मा एक्सचेंज हमें करके उनकी खुद की एंटीबॉडीज बाहर बॉडी से निकालनी पड़ती हैं और न्यू प्लाज्मा डालना पड़ता है, विच इज कॉल्ड थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, जो कभी कभी हम एबीओ मिसमैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट में करते हैं। जी जी। और किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट में ब्लड बैंक का रोल लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। ये सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोला जाता है, जैसा प्रोटोकॉल किडनी का है वैसा ही प्रोटोकॉल लीवर ट्रांसप्लांट का होता है। इन केसेस में जहाँ पर भी लीवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो या किडनी ट्रांसप्लांट या आपके लीवर ट्रांसप्लांट के केसेस आते हैं, इन सारे केसेस में एक तो ब्लड कंपोनेंट्स की तैयारी
खासकर आपके लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो इन दैट केस आपको एक ब्लड कॉम्पोनेंट्स की इन्वेंट्री बना के रखना, और आजकल एक नई विधा आ गई है जिसको बोलते हैं एबीओ मिसमैच ट्रांसप्लांट। इसमें होता है कि अगर मैं बी ग्रुप का हूँ, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो मेरा कोई फैमिली मेंबर बी का होगा या ओ का होगा, वही दे पाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ये दोनों नहीं है तो और ए का ही डोनर है फैमिली मेंबर, तो ये ट्रांसप्लांट कैसे होगा? आजकल ये पॉसिबल है। और ब्लड बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सर्जरीज में। साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं एबीओ मिसमैच बोन लीवर ट्रांसप्लांट या एबीओ मिसमैच किडनी ट्रांसप्लांट। मरीज के शरीर से जितने एंटीबॉडीज हैं, जो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज हैं, उनको हम पूरा निकालते हैं और उसके बाद ऑर्गन ग्राफ्ट होता है। किडनी हम लगाते हैं डोनर से या लीवर लगाते हैं, और पेशेंट उसके बाद मेंटेनेंस पे चला जाता है। उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं जैसे नॉर्मल ट्रांसप्लांट में होते हैं। तो मैं आज मैं बोलूँ अगर कि ओ वाले को अगर ओ की किडनी मिल रही है तो भी उसका उतना ही सर्वाइवल है जितना ओ को ए की किडनी मिल रही है। बट जो पेशेंट का प्रिपरेशन या डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल है वो इस तरीके से बनाया गया है कि दोनों के आउटकम एक जैसे रहे, तो ये पॉसिबल है। इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर देखा जाए, किडनी हो या लीवर हो, पीछे से आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा है, मतलब कहने का ये है पेशेंट ज़्यादा है, डोनर बहुत ही कम है। तो इस गैप को अगर ब्रिज करना है तो एक तरीका तो एबीओ मिसमैच ट्रांसप्लांट का है। दूसरा तरीका जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट होते हैं कि ब्रेन डेड पेशेंट को आपको फैमिली को काउंसिल करना होता है और उनके ऑर्गन को निकाल करके, अगर फैमिली कंसेंट देती है तो उनके ऑर्गन को निकाल करके किसी पेशेंट को लगाया जाए उसमें। तो अगर एक ब्रांडेड पेशेंट है कम से कम 8 लोगों की जान बचा सकता है। कम से कम 8 लोगों की जान बचा सकता है। बहुत तो ये मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई। और जिस तरीके से ब्लड डोनेशन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि उतना ये समझ के लोगों को जागरूक होना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि उनका सिर्फ एक यूनिट ब्लड 3 लोगों की जान अगर अलग अलग तरीके से बचा सकता है, तो साइंस भी काफी आगे पहुंच गई है। और मुझे लगता है कि अगर साइंस इतना आगे पहुंच गई है तो लोगों को भी इनिशिएट करके लोगों की जान बचानी चाहिए। सर, आपसे एक सवाल जो डॉक्टर स्पेशल में हम हर बार डॉक्टर से पूछते हैं, वो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी, वो यही कि आपकी भी लाइफ में हर बार नए पेशेंट्स आते हैं, नए लोगों से मिलना होता है, तो क्या कुछ ऐसा वाकया रहता है, क्या कुछ ऐसा वाकया कभी हुआ हो जो आपके जहन में हो और आपको लगता हो कि आप वो कभी नहीं भूल पाएंगे, या कभी ब्लड की ऐसी जरूरत पड़ी हो, नहीं मिला हो, या कुछ और तरीका ऐसा हुआ हो जो कि बहुत रेयर हुआ हो और आप कभी उसे भूल नहीं सकते, वो हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ब्लड बैंक में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब मैं बेंगलुरु मैं ब्लड बैंक में गया तो वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट, वहाँ कन्नड़ा लैंग्वेज होता है और मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से रहने वाला, आप या तो हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, बट वहाँ की लोकल जनता जो है वो नहीं बोल पाएगी। फिर वहाँ पर मुझे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जा करके कम्युनिटी में लोगों को मोटिवेट करिए और आईटी पार्क्स वगैरह में मोटिवेट करिए लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए। तो वहाँ बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर मेरे लिए था। उसके लिए मुझे वाकिया तो नहीं है, मेरी लर्निंग ये है कि मैंने फर्स्ट 7 डेज में कनाडा के वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं पहले मैंने सीखा कि क्या क्या वर्ड्स बोलना चाहिए वहाँ पर। यस नो ही केवल नहीं है, बेसिक भाषा में एटलीस्ट मैं उनकी बातें समझ सकूँ। तो मैंने वहाँ की कुछ लोकल लैंग्वेज, अपने खुद के टेक्नीशियन जो उस भाषा में बात करते हैं, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखे। और वो सीखने के बाद हमने बैंगलोर में लोगों को प्लेटलेट थेरेसिस के लिए मोटिवेट किया, प्लेटलेट डोनेशन के लिए मोटिवेट किया। और आप बिलीव नहीं करेंगी, उस छोटे से सेंटर का, छोटा तो नहीं बोलूंगा, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था हॉस्पिटल, हम इतने ज़्यादा प्लेटलेट्स डोनेशन करवाते थे जितना पूरे बैंगलोर में नहीं होता था। हम लोगों को ये मोटिवेट कर पाए कि भाई प्लेटलेट्स से कितने लोगों की, कितने कैंसर पेशेंट्स की जान बचती है। और खासकर आप देखिए ना, आप इंडिया मेडिकल टूरिज्म में जा रहा है, अब जो इराक से पेशेंट आएगा, जो तजाकिस्तान से आएगा, उसके पास लोग कहाँ होंगे? तो ऐसे में लोगों को मोटिवेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने छोटी छोटी लैंग्वेज वहाँ पर सीखी, लोगों के साथ में गया, लोगों को मोटिवेट किया, और वो हमारा सेंटर सबसे बड़ा सेंटर था प्लेटलेट डोनेशन के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल। हमने महीने में जहाँ पे और सब ब्लड बैंक 25-30 करते थे, हम 150 से 200 प्लेटलेट डोनेशन करवाते थे और ढेर सारे हॉस्पिटल को इशू करते थे। तो इट वॉज अ लर्निंग, इट वॉज अ बिग लर्निंग फॉर मी।
कि आप लोगों को भाषा डिफरेंट होते हुए भी कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। आपके अंदर होना चाहिए काउंसलिंग स्किल होनी चाहिए और आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मैं करूंगा। और मुझे लगता है कि डॉक्टर से बेहतर इसे कुछ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर से पर्सनल बातें जो है वो एक पेशेंट शेयर कर पाता है। आपका हमारे साथ जुड़े आप हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत पांडे जी। और डॉक्टर स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़ेंगे अगले बार किसी और डॉक्टर के साथ जो कि ह्यूमैनिटी की मिसाल होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।